हाय गाइस, मैं सुगंधा आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्लेवर्स में। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलने आए, तो चलिए आज की नई रेसिपी देख लेते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक रिफ्रेशिंग सैलड जो सच में बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है वाटरमेलन चॉप करके, और उसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ उतनी क्वांटिटी में यहाँ पे कुकुम्बर मैंने ऐड किया है चॉप करके, उससे मैंने पील किया है पहले। उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक स्मॉल बाउल कीवी, और इसी के साथ हम ऐड करेंगे चिया सीड्स। यहाँ पे मैं एक टीस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। और उसी के साथ यहाँ पर मैं रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा सा पुदीना ऐड कर रही हूँ इडली चौकी है। इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आधे नींबू का रस, तो अब हम इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे क्योंकि हमें सॉल्ट और लेमन जूस डालने के बाद इसे ज़्यादा देर नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा देर रखते हैं तो फ्रूट्स और जो कुकुम्बर है वो अपना वाटर रिलीज करते हैं, तो हमें यहाँ पे पूरा वाटर नहीं चाहिए। तो जैसे हम इसे मिक्स करेंगे उसे सर्विंग के लिए दे देंगे। तो ये अब हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है गाइस। ट्रस्ट मी गाइस, ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है और क्रंच इसमें तो कुकुम्बर और वाटरमेलन से क्रंच तो इसमें आ ही जाता है। तो अब हम इसे सर्विंग के लिए एक प्लेट में रख देंगे। सारा सैलड असेंबल करने के बाद हम इसमें ऊपर से एक या फिर दो टेबलस्पून जितना हनी ड्रिजल करेंगे। हनी से इसमें सच में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है, क्योंकि हनी और लेमन का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है इस सैलड में। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसे बनाने के बाद आप तुरंत सर्व कीजिए।